आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। हम इसे पॉइंट भी कहते हैं। जैसे हमें एक ऐसे ये लगा देते हैं जिसको क्या कहते हैं? पॉइंट। आप पॉइंट पढ़े चाहे डेसिमल पढ़े और चाहे दशमलव पढ़े, एक ही चीज समझ जाएगी। हमें सीखना ये कि आखिर दशमलव या पॉइंट हम लगाते कब हैं और क्यों लगाते हैं। ना लगाए तो काम नहीं बनेगा हमारा, तब भी बन जाएगा काम, और लगा दे तब भी बन जाएगा। जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पर 5 रुपए 80 पैसे, ये तो ये चीज आपको सीधी सीधी समझ में आ रही किसकी बात की जा रही, 5 रुपए और 80 पैसे। ठीक, हम इसी में पॉइंट भी लगा सकते थे। जो दशमलव की बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखिएगा, सीख लेना। दशमलव बहुत सी जगह लगता है और थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। हमने लिख दिया 5 और ये पॉइंट लगा दिया, और इधर लिख दिया हमने 80, और इधर लिख दिया पहले लिख दो रुपए और चाहे बाद में लिख दो, ज्यादातर पहले लिखे जाते। ठीक, रुपये 5। अब अगर हमने यहाँ रुपया लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे? दशमलव के इधर की संख्या तो रुपया है और दशमलव के उधर की संख्या पैसा। लेकिन पैसा लिखा कहीं नहीं जाएगा, पैसा लिखेंगे नहीं। अगर हम अलग अलग लिखना चाहते तो हमने ये लिखा ऊपर, जो ऊपर लिखा है वही ये पढ़ा जाएगा। आप इसको क्या पढ़ सकते हैं? 5 रुपए 80 पैसे पढ़ सकते हैं, या आप इसको पढ़ सकते हैं रुपये 5.80। और दशमलव के बाद संख्या पढ़ते हैं अलग अलग। ठीक, हम इसे ये नहीं पढ़ेंगे 5.80, ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आप वो क्यों पढ़ते हैं दसवें बाद अलग अलग, वो हम बाद में कभी बताएंगे। लेकिन आज केवल जैसे हमने लिख दिया ये 7.123 ये लिखा होगा, तो इसे पढ़ा कैसे जाएगा? पहले ही देखिए, इसे पढ़ा जाएगा 7.1233। नहीं, दशमलव के बाद जो उधर के अंक आ रहे वो सब पढ़ेंगे आप एक एक करके, जैसे 7.1233। लेकिन दशमलव से पहले की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम ये लिख देते, अब इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे हम? नहीं, इधर की कंप्लीटली पढ़िए आप। इधर के जो पॉइंट के इधर के अंक है आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, दाएं बाएं हाथ की तरफ, वे पूरे पढ़े आप एक बार। इसे पढ़ेंगे 7.1 3 5। बात समझ आ गई क्या? आई समझ में कि दशमलव के बाद के अंक एक एक करके या अलग अलग पढ़ते हैं, दशमलव के पहले के आप जैसे चाहो वैसे पढ़ो। जैसे चाहो से मतलब आप इसे भी 5.786 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 7.86। उधर आप अंक एक एक पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? आप वापस यहाँ आइएगा। हमने लिख दिया है 5 किलोमीटर और 832 मीटर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हम मान लिया पूरी दूरी चले हैं, हम चले हैं 5 किलोमीटर चले हैं और 832 और चले हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। वो चीज भी हमने बताई पहले भी, अगर ध्यान में नहीं है तो फिर बता देंगे आपको। ये हमने लिखा, क्या इसे दशमलव में लिखे या क्या इसे दशमलव में लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे इसको? 5 पॉइंट और दशमलव के बाद संख्या आ जाएगी 832 और यहाँ लिखेंगे अब आप किलोमीटर। मीटर कहीं नहीं है, हमने किलोमीटर लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव के इधर का जो अंक है वो किलोमीटर है और दशमलव के उधर की जो अंक है वो काहे के मीटर। सेंटीमीटर नहीं बेटा पढ़े, सेंटीमीटर तब पढ़ते जब इसे मीटर लिखते। अगर इसे मीटर लिख दे तो ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर इसे सेंटीमीटर रख दे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा। उससे छोटा अंक चलता है, रुपए छोटा पैसा होता है, किलोमीटर छोटा मीटर होता है, मीटर छोटा सेंटीमीटर होता है। जैसे आपने जो कहा उसका भी आप समाधान पाइएगा, देखिएगा कैसे। हमने यहाँ लिखा है 10 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मिलीमीटर मिलकर के 1 सेंटीमीटर बनाते हैं।
स्केल पढ़ाएंगे आपको, देख दिखाता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, 10.8। अब ये लिखा कैसे जाएगा, ये भी दिक्कत आ गई। 0.8 लिखेंगे, 0.8, और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 10 सेंटीमीटर है और 8 मिलीमीटर है। और आप ये कहो फिर आपने 0 क्यों लगा दिया, 0 नहीं लगाते तो वो भी देख लीजिएगा, 10.8 और यहाँ हमने लिख दिया सेंटीमीटर, तो ये हमारा गलत है। अगर हम यहाँ 10.0 लगाए या नहीं लगाए, ये 80 पढ़ा जाएगा, 8 नहीं पढ़ा जाएगा, 8 अब पढ़ा जाएगा। ठीक, जैसे वहां से आप उतना नहीं समझ पाओगे, आप यहां से समझिएगा। जैसे हमने लिखा है 5 रुपए 5 पैसे, ठीक, इसे कैसे लिखेंगे हम दशमलव, हम इसे लिखेंगे 5.5। क्या ये सही है, क्या ये सही है? नहीं, ये अगर आपने लिख दिया, अगर आपने ये लिख दिया कि 5.5 रुपए, तो ये आपका गलत है। ये पढ़ा जाएगा 5.50 पैसे पढ़ा जाएगा। हम 0 लगा दें या ना लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद जैसे हमने लगा दिया 5.5, अब आप इधर कितने भी 0 लगाते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ना घटेगी और ना बढ़ेगी। ठीक, लेकिन अगर ऐसी स्थिति लगा देते, अब 0 बढ़ा के हम 5 लिखे, तो बहुत छोटी वैल्यू होती चली जा रही है। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि इसको हम पढ़ेंगे, हम यहाँ 0 लगा या नहीं लगा, ये 5.5 रुपए पढ़े जाएंगे, 5.50 रुपए, लेकिन हम लिखना चाहते हैं 5.5 रुपए, तो कैसे लिखेंगे, तो हम फिर लिखेंगे 5.05 और आप रुपए लिख दीजिएगा, तो अब आपका ये पढ़ा जाएगा 5.05। ये हम आपको लिखवाएंगे, आज पढ़ा दे रहे, फिर आपसे पूछेंगे भी कैसे लिखेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम आपसे ये कहते 5.50 रुपए कैसे लिखे जाएंगे, तो देखिएगा 5.50 रुपए, इसे कैसे लिखेंगे, 5.5, चाहे तो आप ये लिख दो और यहाँ लिख दो रुपए, तो ये 5.50 रुपए ही पढ़ा जाए पढ़े जाएंगे, चाहे आप या चाहे ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है, 5.50 रुपए ये भी पड़े जाएंगे और 5.50 रुपए ये भी पड़े जाएंगे, हम 0 लगाए चाहे ना लगाए। देखिएगा 5.8 रुपए और 5.80 रुपए, 5.80 रुपए ये भी पड़े जाएंगे और 5.80 रुपए ये भी, लेकिन अगर हम ये कर देते 5.08 रुपए और 5.80 रुपए, बेटा अंतर है दोनों, क्या अंतर है, ये है 5.08 रुपए और ये है 5.80 रुपए, क्लियर हुआ? दशमलव क्यों लगाते हैं, क्लियर हुआ? अगर ये देखो कितना लंबा लिखा हुआ, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अगर दशमलव का प्रयोग करें तो नहीं लगा, देखो ये लिखा हुआ है 5.80 रुपए लिखा हुआ, हमने तो इधर के पैसे ही माने जाएंगे, अगर हमने इधर किलोमीटर लिख दिया तो इधर किलोमीटर इधर मीटर माना जाएगा, इधर सेंटीमीटर लिख दिया इधर सेंटीमीटर इधर मिलीमीटर माना जाएगा, इधर मीटर लिख दिया इधर मीटर, इधर मीटर से छोटी जो चीज होती है सेंटीमीटर वो मानी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे आपको, आप चल के आगे सीखेंगे, अभी आप इतना सीख पाए। अब हम आपको बताएंगे दशमलव की संख्या को छोटी बड़ी कैसे पहचान करते, जैसे और संख्या को आपने छोटी बड़ी संख्या पहचान की थी, छोटी बड़ी संख्या लिखना, नंबर बढ़ते क्रम में लिखना, नंबर बढ़ते क्रम में लिखना आपने सीखा। अब इन संख्याओं को कैसे पता करेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी, जैसे यही अभी यही लिखा हुआ है, बताओ संध्या इसमें ज्यादा ये रुपए ज्यादा है या ये वाले ज्यादा, नीचे वाले या ऊपर वाले है, देखो है नीचे वाले। ये कंफ्यूजन रहेगा आपके, भैया ये 5.08 रुपए है और ये 5.80 रुपए ज्यादा कौन है, नीचे वाले। हाँ, तो अब इस चीज को हम बताते हैं, देखिए बताना ये है कि कौन सा नंबर दशमलव का छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक प्रगति, आप बताइएगा कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा कौन सा, मान लीजिए ये रुपए, ये भी रुपए और ये भी रुपए, तो आप बताइएगा ये रुपए ज्यादा है या ये वाले ज्यादा,
ये ज्यादा है। अब ये कैसे बताया करेंगे हम? देखो दशमलव के इधर की संख्या दोनों की बराबर है। अगर हम ये देख के चले तो ये 13 रुपए 25 पैसे, ये 18 रुपए 25 पैसे, सीधी हम जानते हैं 18 रुपए ज्यादा होंगे। साइन भरना आपको आता है, ये छोटी संख्या की तरफ 9, बड़ी नहीं छोटी संख्या की तरफ तीर की 9। आया समझ में? समझ में आया? और देखिएगा आपकी किताब में सवाल है वो भी बताते हैं। जैसे अगला सवाल है हमारे पास 13.05, बैठ जाइए बेटा। और अगला सवाल, ये अगला है 13.50। देखो अभी हमने जिस पर चर्चा की थी जस्ट वो सवाल आपकी किताब में भी है। ठीक, अंशिका बताइएगा इसमें कौन सा नंबर ज्यादा है? ये वाला कैसे ज्यादा भाई? ये हाँ, ये देखो यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, लेकिन ये क्या 5 और ये क्या 50, तो 5 ज्यादा या 50, तो बड़ा नंबर ये हो गया, तो छोटे की तरफ 9। क्लियर हुआ? यस सर। अगला देखिएगा, आपकी किताब में ही है, वो कराते सीमा, हमें ये बताना है आपको, ये आप ही हमें बताइए कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है। क्या भाई, वो क्या बड़ा? ठीक, ये नंबर हमारे बराबर हैं तो इनको भ्रम ना देखें, इन्हें नहीं देखे थे। अब ये देखिएगा, देखो ये 137 से 138 सीधी से 38-37 से बड़े होते हैं, तो ये नंबर हो गया बड़ा, छोटे तरफ नो कर दिया हमें। ठीक शाबाश, अगला है, बताइएगा एलपी कौन सा नंबर इनमें बड़ा होगा? वो बड़ा होगा। ठीक, ये नंबर बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? देखो ये 412 है, ये भी 412 है, तो यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा कौन सा नंबर बड़ा, क्योंकि दोनों बराबर, लेकिन ये 69 और ये 69 इज ग्रेटर देन 68, तो छोटे की तरफ। समझ में आई इतनी बात? संख्याओं में दशमलव लगाना, क्यों दशमलव लगाते हैं? हम ना दशमलव लगाएं लिख सकते हैं। ठीक, दशमलव संख्याओं का जोड़ना, दशमलव संख्याओं का घटाना, दशमलव संख्याओं का गुणा करना, दशमलव संख्याओं का भाग करना, संख्याओं को दशमलव में बदलना, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, ये सब आपका इस क्लास में है। दशमलव में आप कितना सीखेंगे? आपने दशमलव समझ लिया कि क्या होता है, दशमलव कहें, डेसिमल कहें, पॉइंट कहें। ठीक, अब दशमलव संख्याओं का आपने ये छोटा वाला निकालना भी सीख लिया, कौन सा नंबर छोटा होता, कौन सा बड़ा होता, कैसे निकालें, समझ गए? अब आपको अगला जो क्लास होगा वो होगा दशमलव संख्याओं का जोड़ और दशमलव संख्याओं का घटाना, एक साथ चलेगा क्योंकि उनमें एक ही जैसा होगा। दशमलव संख्याओं का गुणा एक क्लास अपना अकेला होगा और दशमलव संख्याओं का भाग एक क्लास अपना अकेला होगा। फिर अगली क्लास क्या होगी कि दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न को दशमलव में बदलना या दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, वो एक क्लास होगी। इतना आपका इस क्लास में। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि दशमलव को क्यों लगाते हैं और फिर क्या पढ़ते हैं, दशमलव के बाद की संख्या को कैसे कैसे पढ़ते हैं, दो संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में इतना है। जय हिंद, जय भारत।